यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हाँ गाइज, ये स्लोगन आपने सुना ही होगा, जो कि महाभारत का ये काला दिन का क्या कहें। तो आज हम उसी जगह, महाभारत के उस जगह कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो अभी सुबह के 6 बज रहा है, मैं और मेरी टीम चल रहे हैं, ठंडी का दिन है, मगर पूरी टीम हमारी, जो कि देखिए सभी लोग यहाँ बस में इकट्ठा हो गए हैं और थोड़ी देर में हमारी बस खुलने वाली है। तो जितने भी हमारे देख रहे हैं ना, फैमिली जा रही है, सबका नाम रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, कहीं गलती से हमारा कोई धोखा कोई छूट ना जाए। और भजन कीर्तन के साथ ढोल मंजीरा माइक है, तो महादेव भगवान की भक्ति करते हुए, माता रानी का जयकारा करते हुए बस चल रही है। देख रहे हैं कि ये हमारा उजाला हो गया, जो कि हम अंधेरा में आए थे, और हम यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पर आ गए हैं। यहाँ पूरी टीम हमारी बस से उतर गई है। तो यहाँ उतरने पर सबसे पहले हम जो ब्रह्म सरोवर है वहाँ स्नान करते हैं, इसके बाद आगे दिखाते हैं कि इसके बाद कहाँ जाना है। तो बस से उतरने के बाद दोस्तों, कुछ ही दूरी पर ब्रह्म सरोवर है, और देख रहे हैं हनुमान जी स्टैचू है, यहाँ मंदिर है, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये कुरुक्षेत्र महाभारत, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहना। जब भी दो भाइयों में लड़ाई होती है तो बात यही आती है, क्या महाभारत शुरू कर दिया तुमने। ये दोस्तों वही जगह है जहाँ महाभारत हुआ था। तो देखिए ये गेट है, यहाँ सब एंट्री करते हैं, देख रहे ना पूरी हमारी सेना। तो चलिए देखिए, और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और देखिए हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ एंजॉय करेंगे, हमारी टीम कहाँ कहाँ जाएगी, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ तो गीता उत्सव मनाया गया था, उसी में का देख रहे पंडाल सब तैयारी कुछ दिन पहले हुआ था। तो हम उसमें नहीं आ पाए कुछ कारणवश, कोई नहीं अभी सही। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से, देख रहे ना ये। ये धर्मशाला की तरह छोटे छोटे ये बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सीधे सामने ये ब्रह्म सरोवर है, हम यहाँ ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं।
तो गाइज यहाँ का नाम है कि ब्रह्म सरोवर में अगर हम मन के मन्नत मानकर कुछ सिक्के का दान करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए मैं भी अपनी मनोकामना ब्रह्म सरोवर से मांगते हैं, पूरी करवाते हैं कि जैसे सबकी करते हैं वैसे भगवान हमारी ही पूरी करें। सब कुछ हो गए यहाँ के। चलिए आप ये हमारे देख रहे हैं मैडम है जो हमारी मुखिया है, जो बोलते हैं ना पूरी टीम को इतना बढ़िया से संभाल कर सबको केयर करके ले जाती है, क्या कहना। बहुत यहाँ अम्मा भी आई हैं छोटे से लेकर बड़े, सबकी बहुत ही केयर करती है, बहुत इंजॉय करवाती हैं ये। और फिर क्या कहना, मैं तो बहुत ही इंजॉय करती हूँ। तो चलिए यहाँ फोटो शूट हो रहा है जहाँ वुमेन जुटे और फोटो शूट ना है। देखिए तो अम्मा पीछे ही रह गई, आइए आइए। तो यहाँ से फिर दोस्तों हमारी टीम आगे चलती है और आगे देखते वीडियो बने रहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, देखते रहिए। और दिख रहे ना कितना सुंदर नजारा लग रहा है, ये कुरुक्षेत्र है बहुत ही बढ़िया। यहाँ धर्म भी हुआ था और अधर्म भी हुआ था, दोनों की नगरी है, धर्म और धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र। तो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए। तो चलिए दोस्तों के साथ चलते चलते बातें होते होते बिल्कुल यहाँ सब कुछ नजदीक में ही है थोड़ी, तो अब उस जगह पर पहुँचते हैं दोस्तों जहाँ अर्जुन रथ पर और कृष्ण भगवान उसके सारथी बने थे। तो यहाँ आए, यहाँ बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा जिसमें चार घोड़े लगे हुए हैं और कृष्ण भगवान उसके सारथी बने हैं और उस रथ के सबसे ऊपर पर हनुमान जी को बैठाया हुए थे। तो बहुत सुंदर नज़ारा लगा, इतना बढ़िया, मन गदगद हो गया और उस महाभारत की याद आ गई, क्या कहना क्या कहें। तो चलिए यहाँ भी हमने बहुत सारे फोटो शूट किए और इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों जब दुष्ट दुशासन ने माता द्रौपदी के बाल खींचे थे तब से उनकी प्रतिज्ञा थी कि दुष्ट दुशासन के खून से ही अपनी बाल को धोएंगी। तो ये हम वही जगह पर आए हैं, तो ये खाटू महाराज जी का स्टैचू है, महाराज विराजमान है। और वहाँ से लेफ्ट साइड में हम नीचे अगर जाते हैं, बिल्कुल सीढ़िया बनाया हुआ है इसके नीचे हम जाते हैं तो ये कुआं दिखाई देता है, देख रहे हैं ना। तो लोग इसमें भी अपनी मन्नत का धागा बांधे हैं, कुएं में पानी तो नहीं है लेकिन लोग अपनी मन्नत से कुछ सिक्के डाले हुए हैं। इसकी चर्चाएं हम आगे करते रहेंगे और आगे और अच्छे से वीडियो दिखाएंगे। तो देख रहे हैं कि हम उस पर एक अलग थोड़ा ऊपर आएंगे। ये हमारा ब्रह्म सरोवर ही है जो कि बहुत एरिया में बहुत विशाल बहुत ही एरिया में फैला हुआ है। पहले दोस्तों ये सरोवर इतना बड़ा नहीं था, यहाँ इतने घर बने नहीं थे, पूरा खाली खाली था जब महाभारत हुआ था। लेकिन बहुत साल बीते, बहुत काल बीते तो धीरे धीरे ये बनते गया, देख रहे ना। अब यहाँ से देख रहे ये, अब यहाँ माँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। तो देखिए माता कात्यायनी विराजमान है, इनकी दर्शन कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते तो यहाँ महादेव विराजमान है अपनी पूरी फैमिली के साथ है। और बाबा नंदी बाहर बैठे हैं, बोलते हैं कि इनके कान में अपनी मन्नत करने से सीधे महादेव के पास हमारी मन्नत को ले जाते हैं नंदी बाबा। तो बस महादेव से नंदी से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ तब तक हमारा लंच ब्रेक, कुछ हल्की फुल्की ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तब तक बस में बैठते हुए देख रही हमारी पूरी टीम पेट पूजा की तैयारी लगे हैं और साथ में ये जूस भी चल रहा है, बहुत मस्ती में है बस सब। तो दोस्तों यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे ना ये है श्री कृष्ण संग्रहालय, यहाँ म्यूजियम भी है, साइंस का विज्ञान भी है। तो ये कृष्ण संग्रहालय जो कि इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर हमारा जाने के बाद आगे लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर पड़ता है जो कि पर आदमी का एक आदमी का टिकट 30 रुपया है और छोटे बच्चों का 10 रुपया है, ज़्यादा महंगी नहीं है।
और यहीं बगल में एक छोटी दुकान है जो कि भगवान की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ छाले बहुत सारे सामान कुछ रखा हुआ है। मैं भी कुछ निशानी यहाँ से ली हूँ, अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप लोग बोर हो जाएंगे देखते, तो बोर नहीं होना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेन पॉइंट पर। तो संग्रहालय में देख रहे हैं ना, ये भगवान बुद्ध है, कृष्ण भगवान कितने प्यारे पेंटिंग बहुत दोस्तों यहाँ एक से बढ़कर आपको एक मिलेगा, लेकिन हम नहीं दिखा सकते। बहुत प्यारी प्यारी चीज इसमें, यहाँ भी पेंटिंग है कृष्ण भगवान की। और देख रहे ये सबसे दर्दनाक, जो कि भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर सोए हुए हैं, और ये कृष्ण भगवान का भांजा और अर्जुन का लल्ला, जो कि क्या कहें, श्री कृष्ण संग्रहालय। और उनके बाहर राइट साइड में देख रहे कृष्ण भगवान के स्टैचू बनी हुई है, बहुत ही प्यारा। तो सबने यहाँ भी फोटो शूट करवाए। इसके अब आगे हम म्यूजियम में चलते हैं, तो म्यूजियम में देख रहे हैं ना, ये साइंस म्यूजियम है, ये स्टोन है अलग अलग, बहुत बढ़िया बढ़िया। और देखिए ये हथियार है छोटे, ये जानवरों के बने हुए हैं, जानवरों से, कि जैसे जानवर के मुंह खुलते हैं उसके माउथ से, उसके शेप से ये बनाया हुआ है हथियार औजार। ये भी बहुत ही बढ़िया देखने लायक है दोस्तों, देख रहे हैं ये कोई ना कोई जा। और यहाँ देखिए कुछ पुराने जमाने की, और ये सिक्के हैं, कॉइन बोलते हैं, ये पुराने जमाने के हैं। इस म्यूजियम में एक से एक, और ये देखिए ना क्या बात है, यही जादू की झपकी है। आपको एक से एक यहाँ साइंस मिलेगा, ये साइंस की ही म्यूजियम है। तो दोस्तों हम क्या कहें, ये भी मैंने आपको बहुत कम दिखा रही हूँ, बहुत कम। और इसके ऊपर हम गए तो यहाँ महाभारत, जो कि 18 दिनों तक ये महाभारत चला था, वो पूरा सीन यहाँ दिखाया हुआ है, इतना बढ़िया से इसकी पेंटिंग स्टैचू बढ़िया से, क्या हम कहें। अब यहाँ भी दोस्तों हमारी ख़त्म हो गई, अगला मैं वीडियो आपको डाल दूँगी इसका पूरा। और आगे चलने पर देख रही है महादेव के मंदिर में हम आए हैं, और एक भाई बैठे थे तो ढोलक बजा रहे थे, उस मंदिर में ऐसे झूम गए, भगवान की भजन हो और हमारी बहनें हम ना झूम सकते हैं, क्या नजारा। अब चलिए महादेव के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी दो चार सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद महादेव के ऊपर शिवलिंग है, वहाँ दर्शन करते हैं। और हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बहुत ही प्यारा। तो नीचे उतरने के बाद देखिए हनुमान जी, यहाँ दोस्तों कहा जाता है कि जो भी प्रसाद लेकर अगर सावधानी से ना रहें तो ये हनुमान जी सब लेकर चले जाते हैं, इनके प्रसाद भी। और यहाँ आगे बढ़े तो देख रहे हैं ना, ये स्टैचू कुछ बनाए हुआ था, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टैचू थे। और यहाँ माता रानी विराजमान है, तो मरत्ता रानी के सामने हमने खूब भजन किए, खूब घूमना चाहे, माता रानी माँ है तो फिर क्या कहना। और यहाँ बहुत ही बढ़िया वही रथ बनाया था अर्जुन का, और कृष्ण भगवान सारथी बने हुए हैं, छोटा सा है प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया।
इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए भाई जी का कुछ संदेश है, सुनिए। धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी के सेंटर पॉइंट के जिधर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के सामने अभी हम बैठे हुए हैं, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। नाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। पेड़ का चारों तरफ से परिक्रमा किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बोले कृष्ण भगवान की जय। तो महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाए थे, वही कृष्ण भगवान का ये विराट रूप है। ये भगवान कृष्ण का कितना सुंदर नजारा हुआ होगा ना, अति सुंदर है। ओह क्या कहने, हे प्रभु। तो चलिए हम भी उस पेड़ की परिक्रमा कर लेते हैं। देखना इस पेड़ का जो गिरा हुआ है रूट, इसका काउंटिंग नहीं हो सकता है। और देखिए यहीं एक पास में सरोवर है जो ज्ञान सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है, तो जाएं तो ना नहाएं तो कम से कम इस सरोवर का जल लेकर जरूर अपने पर छींटे मारे ताकि हमें भी शुद्धि हो जाए, कुछ ज्ञान आ जाए। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो भाई जी वहीं बजा है, फिर हम मस्ती में वैसे ही डूब गए, प्रभु की भक्ति में फिर से डूब जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस में एक घंटा चलने के बाद शाम हो गया और शाम को चाय की चुस्की ना हो फिर क्या कहना। तो दोस्तों अभी हम एक ढाबे पर आए हैं, देख रहे ना ये, और चाय पकौड़ा चल रहा है। फिर अब की बार यहाँ से उठेंगे चलेंगे तो सीधे हम अपने घर ही चलेंगे। तो दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत वीडियो बनाया, बहुत फ़ोटो खिंचा, लेकिन एक साथ आपको दिखाना मुश्किल है, इसलिए आप चंचल के पिटारा में बने रहिए। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चंचल का पिटारा देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।